जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 6 और हम उठ गए हैं। तो हम यहाँ नीमच से पहले सो गए थे बापू के ढाबे में, तो अभी उठे हैं चलने के तैयारी। अब जैसे चलने लगे तो भाई कच्चे माल वाले आ गए आगे, तो उन्होंने गड्डी लगा रखी आगे। तो अभी देखते चाय चुके पी रहे, बाथरूम बूथरूम गए, मतलब चलो कोई नहीं, तो उसने हम कर लेते हैं उसके बाद। तो आज दोस्तों 28 तारीख और अब चलने की तैयारी। अब एमपी बॉर्डर देखते हैं कितना भीड़ है, कितना रस है, देखेंगे जो भी है क्या सिस्टम है क्या नहीं है। बाकी चलते हैं, अब देखते हैं कार लोकल जैसे आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों चल पड़े हैं आज के सफर की, हमने कर दिया शुरुआत। अभी हम नीमच से पीछे सो गए थे दोस्तों रात को, तो अभी चले हैं सुबह। तो ज़्यादा हो गया दोस्तों, अभी 6:10 हो चुके हैं और मजे से चल पड़े हैं। बाकी पिकअप वाले इस टाइम फुल तेजी में है दोस्तों, पिकअप चली हुई है इस टाइम, सब्जियाँ लेके जा रहे हैं पिकअप वाले। और ये पहुँच गए दोस्तों हम मल्हारगढ़ के साथ ही सोए हुए थे हम दोस्तों। ये जा रही है 16 चक्की अच्छा, पिकअप वाले को देखो दोस्तों फुल लोड है, आगे केबिन में भी माल डाल रखा है। देखो क्या बात है, ये देखो फुल लोड है भाई, खतरनाक तरीके से लोड कर रखा है पिकअप वाले ने, ओवर हाइट, आगे केबिन में भी माल। ये आगे नहीं लैंड वाले भाजी, ये गड्डी है 23 फुटी दोस्तों, क्यू नंबर HP 12 क्यू 23 फुटी गाड़ी है दोस्तों। ये पूरी 23 फुट की गाड़ी है इसकी, इसमें तो ड्रम भी टायर के बराबर है, पीछे खाली पड़ी है गाड़ी, क्योंकि इसमें 30 ड्रम है मेरे पास, 33 ड्रम है। ये 9 टन के लिए लगी है मेरी, 10 टन के लिए लगी है दोस्तों। नया गांव यहाँ से भी 2 किलोमीटर दोस्तों, पहले भी टोल प्लाजा आएगा, टोल प्लाजा पार करते ही एमपी का बॉर्डर, फिर उसके बाद हम राजस्थान में एंटर हो जाएंगे दोस्तों। और ये चले हुए है टैंकर बोगी वंडर सीमेंट लेके, वंडर सीमेंट का भाई काम बहुत है इधर राजस्थान में, ज्यादातर वंडर सीमेंट ही चलता है। ये पहुंच गए दोस्तों हम नया गांव बाजार में, बाकी ब्रेकर ने रेल बना रखी है, ब्रेकर ही ब्रेकर है जगह जगह एमपी में, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां ब्रेकर ना हो, ब्रेकर का गढ़ है मध्य प्रदेश दोस्तों। सबसे ज्यादा ब्रेकर कहां देखने को मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में दोस्तों। अब एक ब्रेकर टपे, दूसरा ब्रेकर साथ में फिर आ गया, और ब्रेकर भी दोस्तों ऐसे 4-4, 5-5 कट्ठे ही है। और जब गाड़ी कहीं टापो टाप चढ़ चली गई समझो उसका फटे फुटे वहीं झड़ गए। फिर चित्तौड़गढ़ है यहाँ से दोस्तों 48 किलोमीटर। तो ये था दोस्तों नया गांव बाजार, ये देखो ट्रांसपोर्ट का नाम क्या, सीमेंट रोड लाइन, भाई क्या बात है सीमेंट रोड लाइन। तो दोस्तों पहुँच गए हम नया गाँव। तो अभी भाई पहली बार देखा जब से मैं इस रोड में चल रहा हूँ ना, रेलवे फाटक लगा होता, अभी रेलवे फाटक लग गया दोस्तों, तो अभी ट्रेन आएगी फिर खुलेगा जाम। ट्रेन तो आई नहीं यार, फाटक पहले खुल गया कि हमारे आने से पहले चलेगी ट्रेन, पता नहीं क्या सिस्टम हुआ, अभी गाड़ियां तो चल पड़ी। हम आके यहाँ खड़े हुए, फाटक खुल गया दोस्तों, गाड़ी वाले जब फाटक खुलता ना ऐसे भागते दोस्तों जैसे कैदी जेल से निकला हो, धड़ाधड़ एक दूसरे के आगे। इस रेलवे फाटक में भी दोस्तों बहुत तगड़े तगड़े ब्रेकर है यार, HP HR 65। ये कौन सी गाड़ी आ गया कैसे यार, चाइनीज गाड़ी आई, अच्छा यार वो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी, कौन सी कंपनी की गाड़ी है ये यार, टाटा की है, नहीं टाटा की भी नहीं है। ये देखो कौन सी कंपनी की गाड़ी है दोस्तों, ये बताना यार, महिंद्रा जैसी लग रही है सोच से। तो देखो फाटक करके कितना जाम लगा हुआ था, साथ में ही फाटक पार करेंगे और आगे आ जाएगा टोल प्लाजा दोस्तों। हम तो शुक्र है दोस्तों बच गया, लाइन में चलिए खड़े नहीं जाम से, इधर वाली साइड पर ज़्यादा जाम है क्योंकि राजस्थान से एमपी में सुबह सुबह लोग एंटर करते हैं, तो हमारी साइड से कम है इस टाइम, हमारी साइड से दोस्तों शाम के टाइम होता है जाम, इसीलिए हम रात को सो गए। कई बार फाटक पार करते करते दोस्तों 12-1 बजे इतना जाम होता है। और यहाँ देखो तमिलनाडु वाला भी ट्रांसपोर्ट अन्ना गाड़ी कितनी सारी खड़ी है देखो यहाँ पर, ये देखो TNKL सब खड़े कर्नाटका वाले। लो जी दोस्तों अपना टोल तो हो गया है पार, बाकी बाटर में चलना इस टाइम थोड़ा सा जाम रहेगा क्योंकि एक साथ ही आ गई ना सारी गाड़ी, बॉर्डर फाटक में इकट्ठी होगी तो थोड़ा सा जाम लगा रहेगा 5-10 मिनट का। इस टाइम देखो लाइन कम है, सुबह सुबह कम ही रहती है,
रात को आते थे, आसानी से नहीं पहुंचते वहाँ, टोल टैक्स के पास ही पहुंच जाता है कई बार जाम दोस्तों। इतने बड़े ब्रेकर है ना दोस्तों, ये टपानी बड़े मुश्किल है यार, बड़े खतरनाक वाले हैं। और उधर से इधर टेलर हो गया खराब, आए 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 देखिए तीनती गाड़ी। तो दोस्तों एमपी से हम निकले आए बाहर, बॉर्डर अपना हो गया दोस्तों बाहर, और बाय बाय एमपी, वेलकम टू राजस्थान दोस्तों। निम्बा हैड़ा दोस्तों यहाँ से 9 किलोमीटर उदयपुर 151, जयपुर 390 किलोमीटर है दोस्तों। कोटा 229, चित्तौड़गढ़ 44, उदयपुर 117, अजमेर 227, अजमेर 227 है दोस्तों। यहाँ से काफ़ी टाइम बाद आया दोस्तों मैं इधर को, कम से कम 1.5-2 साल बाद। ये भी जो ड्रम भरने आगे तब आया मैं इधर से, नहीं तो मैं बाया कोटा ही निकल जाता, और अकेला होता फिर भी बाया कोटा ही निकल जाता, इधर को आने का मन ही नहीं करता है दोस्तों। अपने परे से ठीक है बाया कोटा, इधर से जयपुर पार करने की टेंशन रहती है, जैसे ही उधर को ना कोई खर्चा है ना बात, इधर को तो जयपुर वाली साइड को आटी उटी मिल जाए इधर को, 500 से नीचे तो बात ही नहीं करते दोस्तों, इसीलिए थोड़ा आने का मन नहीं करता। बाकी इधर को आटी मिलते भी बहुत अच्छी, चित्तौड़गढ़ वाला मिल जाता है, भीलवाड़ा वाला मिल जाता है, किशनगढ़ वाला, दूदू वाला, बगरू वाला, राजस्थान वाला, कोई ना कोई इनमें से मिलते रहेगा। बाकी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, किशनगढ़, ये तीन तो पक्के मिलने ही मिलने हैं दोस्तों आपको। बाकी किशनगढ़ से आके जयपुर दूदू बगरू वाले, वो किस्मत आपकी ठीक होगी तो मिलेंगे नहीं, ये खराब होकर मिल ही जाएंगे, वो चलते रहते हैं खड़े नहीं रहते पक्के, जैसे ये लोग खड़े रहते इधर। ये बॉर्डर वाला भी खड़ा है भाई आरटीओ, क्या ही बोले दोस्तों, इधर को तो आरटीओ आरटीओ है, तो रोकते कि नहीं रोकते पता नहीं आपको। ये आरटीओ अब नहीं है दोस्तों, रोकते नहीं है, ये चेकिंग वाले हैं, कार कूर को चेक कर रहे हैं, हमारे को तो रोकता नहीं है दोस्तों। पहले ये आरटीओ बॉर्डर था यहाँ पे, आरटीओ की एंट्री होती थी पर चलो एक जगह से तो बच गए, नहीं तो ये भी पक्का ही था, तो ये मेरे को लगता उठा दिया है आरटीओ यहाँ वाला। और दोस्तों ये आ गया राजस्थान का पहला टोल प्लाजा बॉर्डर पार करते ही, ये चित्तौड़ तक दोस्तों दो टोल प्लाजे पड़ जाते हैं, और सफ़र है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में दो टोल प्लाजा है दोस्तों, 50 किलोमीटर भी नहीं है, 45 किलोमीटर देखो यहाँ से, 40 किलोमीटर लगा लो, 40 किलोमीटर के अंदर अंदर दो टोल टैक्स है दोस्तों, ये क्या ही बोले दोस्तों। फिर बोलते हैं गडकरी साहब भाई 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होना चाहिए, ये है 20-35 किलोमीटर के अंदर ही, क्योंकि 40 किलोमीटर तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ ही है, क्या कर सकते हो। इधर को आके ना दोस्तों एक अलग ही सुकून मिलता है दिल को, ट्रैफिक रहती है, बोर नहीं होता आदमी, बाकी कोटा वाली साइड को अकेले अकेले गाड़ी रहती है, ना कोई अपना बंदा मिलता है, ना इतनी ट्रैफिक रहती है उधर को, मजे से चले रहो, तो इधर को आपको गाड़ियाँ मिलती रहेगी अपनी गाड़ियाँ। बाकी इसीलिए मैं जब भी इंदौर गया उधर से गया ना, तो अकेला तभी रहता था, अब जब मैं बाया कुटा जाता फिर हम दोनों साथ नहीं होने थे, इन्होंने इधर को आ जाना था, मैंने उधर को चले जाना था, तो मैंने सोचा मैं अकेले रहने से बढ़िया साथ में रहते, दोनों साथ ही जाएंगे एक साथ। तो ये बोल रहे थे इंदौर उन दूर से भर जाती गाड़ी, तो बोलते मैं भी चल पड़ता तेरे साथ बाया कुटा, बोलते अब उधर उज्जैन को घूमेंगे उल्टा पड़ेगा, तो सफर फालतू पड़ जाता मैं 60-70 किलोमीटर जो हमने बदनावर से उज्जैन को जाना था, तो इसीलिए गए नहीं दोस्तों। मैं कहा चलो इधर से थोड़े टोल ही लगेंगे, बाकी रोड भी टापो टापे बढ़िया रोड, टेंशन कोई नहीं है, बाकी देख ही सकते हैं आप लोग हाईवे पूरा बिजी रहता है, गाड़ियाँ चली हुई है, बस ये है हमारे साथ चले हुए तमिलनाडु वाले TN52H, ये कहाँ का नंबर है बताना कोई, TN52, ताकि आपको इस एरिया में ना ज़्यादा गाड़ियाँ टेलर ही मिलेंगी आपको, टेलर कोई ना कोई आपको हर एरिया में मिल जाएगा इधर, चाहे खड़े हो चाहे चलते हो, पर मिलेंगे ही मिलेंगे। और दूसरे वो सीमेंट वाले बोगी, वो तो सबसे ज़्यादा इसी एरिया में इधर को, क्योंकि सीमेंट के प्लांट है ना, वंडर सीमेंट, जेके सीमेंट, सारे सीमेंट है इधर प्लांट, ज़्यादातर आपको वंडर सीमेंट वाले मिलेंगे ज़्यादातर। बाकी ये कंपेन वाले मेरे को लगता सीजन लगा के चल पड़े, वो देखो बंदा कितने सोया हुआ, देखो देखो पर मजे ऐसे सोया हुआ भाई,
है ऑटो, मरवाएगा क्या यार, ये क्या कर रहा है देखो। जय हो तेरी दी, अरे आगे देखा ना पीछे भाई, मरवा दिया रहता था भाई तेरे। शुक्र है मैं अपने कंट्रोल में चला हुआ था, ये नहीं तो भी एक्सीडेंट हो सकता था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक वाला। ऐसे ऐसे नग भी रहते हैं दोस्तों, फर्स्ट लाइन से एकदम इधर को आ गया भाई ये, क्या ही बोले दोस्तों इनको। आजकल तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है, ये तो आ गया था इधर, ये मैं गाड़ी नहीं घुमाता दोस्तों तो ये चक्कर हो गया था काम में, हाल खराब है इनके। देख रहे करा के पीछे, और देख सकते हैं इस एरिया में ना कुछ टेलर ही टेलर मिलेंगे, देखो सीमेंट भर के खड़े, देखो सीमेंट ही सीमेंट, क्योंकि इधर सीमेंट के प्लांट ज़्यादा है तो टेलर का काम ज़्यादा है इधर। किसी ऑटो वाले ने तो मार दिए थे यार, लाइव एक्सीडेंट हो सकता था अभी, क्या ही बोले दोस्तों। कोई भरोसा नहीं है, ये जमाना जाली, सही बात है जमाना जाली है भाई ये। अपना तो कुछ बिगड़ना था इतना, तो ये ऑटो ढूंढ के नहीं मिलना था, ऑटो पहुंचा नीचे खेत में, ये दिल लग जाता जिस स्पीड में मैं चला हुआ था, 50-55 की स्पीड तो अपनी थी दोस्तों। गाड़ियों का, खाने पीने का, करियाना सब कुछ, काफ़ी गाड़ी वाले सामान लेते हैं इधर से, राशन पानी गैस सिलेंडर सब कुछ मिल जाता है, जूते चप्पल पंजाबी जूतियाँ बढ़िया बढ़िया मिलती है इधर।
ये एमपी का शहर होता ना दोस्तों, तो यहाँ बड़े बड़े ब्रेकर होने थे जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इतने बड़े बड़े ब्रेकर। पर राजस्थान में दोस्तों आपको कम समय मिलेंगे ब्रेकर। काफ़ी सारे लोग यहाँ से अपनी फैमिली के लिए ना जुतियाँ लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया जुत्ती मिलती है इधर, लेडीज जुतियाँ। और इसको पार करते ही साथ में आ जाएगा दोस्तों टोल प्लाजा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको भी मिलेगा डंडे, गंडासी और तलवारें। अब यहाँ से आगे को तलवारें, गंडासी, डंडे वाले मिलेंगे आपको। अब तो कोई रखता नहीं है दोस्तों तलवारें, पहले लेते थे लोग, पर अब ऐसे हथियार रखने बंद कर दिए ड्राइवरों ने, पहले रखने पड़ते थे, अब तो रखेंगे तो दोस्तों जुर्माना बहुत मोटे वाला लग जाता है। पहले पंजाबी बंदे ज्यादा होते थे ना, वो रखते थे तलवारें, सरदार जी की गाड़ी में, हर गाड़ी में होता था तलवार, पर अब तो सरदार जी लोग भी नहीं रखते तलवारें। ये आ गया सामने दोस्तों टोल प्लाजा, और ये साथ ही में मंदिर, जय श्री देव नारायण मंदिर। और देखो टोल कितना खुला डुल्ला बना दिया है, पहले इस टोल में भी बहुत तगड़े वाला जाम लगता था दोस्तों, बहुत ही तगड़े वाला, अब तो खुला डुल्ला बना दिया, काफी लाइन बढ़ गई है, अब इतना जाम नहीं देखने को मिलता इधर। तो ओवरलोड ओवरलोड करते हैं दोस्तों ये लोग, वो देखो कैंटरों को तो चढ़ा दिया उधर उन्होंने, तो मैं कहा हम तो एमपी से हाईवे पर्ची दिखाई उसको, तो मान गया वो। आजकल दोस्तों टोल टैक्स टपने का भी यार अलग ही फंडा है भाई, अब तो बाहर को चलना होता आपको अंडरलोड ही चलना पड़ेगा, ओवरलोड लेके कोई फायदा नहीं, उतना किराया नहीं बढ़ता जितना टोल टैक्सों में लग जाता है, कोई आरटीओ मिलेगा तो डर, इससे बढ़िया अंडरलोड ही चलना ठीक है। हर टोल वाले परेशान करते हैं, हर टोल वाले अंडरलोड को भी ओवरलोड ही बना देते हैं कई टोलों में तो, वो मैंने एक वीडियो देखी थी उसकी खाली गाड़ी को ओवरलोड बता दिया, तो क्या कर सकते हैं, खाली गाड़ी ओवरलोड होगी जी, क्या ही बोले दोस्तों। और ये आ गया दोस्तों काफ़ी पुराना होटल है ये श्री राम हाईवे होटल, बहुत पुराना होटल है दोस्तों यहाँ पर ये, तो यहाँ पर डालेंगे दोस्तों डीजल। राजस्थान में है 90 रुपये 22 पैसा, एमपी में कल कितना रुपए था डीजल, 92 रुपये, यहाँ पे 90 रुपये, कितना डलवाना फिर 17 से हो जाएगा। तो चले हुए हैं दोस्तों, ये पहुँच गया हम भीलवाड़ा इंडस्ट्री एरिया, तो भीलवाड़ा तो यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, वही जगह को बोलते ही भीलवाड़ा है, तो हमारा नालागढ़ से भी कई माल आते हैं इधर, भीलवाड़े की डिमांड होती है यहाँ पे, तो धागे वाली कंपनियाँ हैं दोस्तों इधर काफ़ी सारी, छोटे छोटे प्लांट, कोई बड़े प्लांट, कपड़े ज़्यादा बनते हैं इधर। ये देखो मयूर कंपनी, ये देखो वो सामने मयूर कंपनी थी, मयूर कपड़े, BMD कपड़े, BSL लिमिटेड, काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर। भीलवाड़ा 16 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से, 16 किलोमीटर रह गया भीलवाड़ा। तो ये चला हुआ है कैंटर वाला पानी की टैंकी लेके, ये देखो ये बढ़िया सिस्टम करा हुआ, जो टैंकी गिरे ना दोस्तों रास्ते में, क्योंकि गिर जाती है टैंकी, अब इन्होंने जाली बना रखी है देखो, पूरा कवर कर रखा है देखो, तो ये बढ़िया सिस्टम है दोस्तों, इसे टैंकी गिरने का डर नहीं है, क्या रस्ते मारेंगे तो गिर जाते हैं ना, अब ये जाली लगा दो कहीं नहीं गिरेंगे टैंकी यहाँ पर, ये सिस्टम बढ़िया है। तो दोस्तों पहुंचने वाले हैं भीलवाड़ा, इधर आरटीओ साहब का भी अड्डा आने वाला है, इधर ही किधर खड़ा होता है आरटीओ, देखते हैं आज मिलेगा कि नहीं, अभी तक हमें फिलहाल कोई आरटीओ मिला नहीं दोस्तों, तो पर आगे है भी वो जगह यार, आगे है भी, मेरे को लगता है वो भीलवाड़ा बाईपास पे ही है, तो इसी पर है भीलवाड़ा से पहले पहले खड़ा रहता है पक्का नाका लगा के, देखते हैं कई वीडियो वायरल होगी उन आरटीओ की, देखते हैं वह होते हैं कि नहीं, क्या पता उठा दिए हो।
अजमेर सीधा ही कनौली आटून, ये आगे टाटा मोटर, तो ये नया खुल गया दोस्तों टाटा मोटर का, यहाँ पर पहले तो था नहीं, यहाँ ये अब नया खुला है टाटा मोटर, काफ़ी बड़ी एजेंसी है दोस्तों ये। जा रहे कच्चे माल वाले भिंडी लेकर, हटना कहाँ है दोस्तों इन्होंने भाई, ये अभी भी खड़े देखो नकल लगा के, ये नहीं जाते भाई देखो खड़े हैं, देखो लाइन लगा रखी है भाई आटियों ने, बिल्टियाँ लिया बिल्टियाँ, मैंने कहा मेरा तो चलान हुआ है, सटाला मार दिया मैंने, फिर लाइन लगी पीछे बोलता जा जा, मैंने झूठी मार दिया, मैं चलान हुआ है बाब, आप ही ने करा चलान। चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और हम पहुंच गए हैं लंबिया कला टोल प्लाजा पर दोस्तों, और दिन के बज गए हैं दोस्तों 11, टोल गेट 500 मीटर, तो ये लंबिया कला वाला टोल है, इससे आगे आ जाएगा दोस्तों रायला, और ये टोल प्लाजा है जी, कितने का बड़े मोटे मोटे टोल है यार 325 भाई, इधर पर टोल भी बहुत महंगे है दोस्तों यार, मतलब 300 से ऊपर ऊपर ही है सारे, 300 से कोई कम नहीं है। इतने तगड़े तगड़े ब्रेक करे दोस्तों, गाड़ी पूरे हिला देते है। तो टोल हो गया दोस्तों अपना पार, वो देखो दोस्तों कैंटर गाड़ी को तो सब जगह टोल वाले कंडा ही करवाते, देखो एक कोमेंट वो खड़ी है ना उधर, उसको भी कांटा करवा रहे भाई, और ये देखो भाई बेल को खड़ा इधर, लॉजिस्टिक क्या बात है। तो हम दोस्तों बंदरवाड़ा तक जाएंगे अभी, फिर बंदरवाड़ा में खाना खुना खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर वहाँ से चलेंगे दोस्तों शाम के टाइम, क्योंकि दिन में तो जयपुर पार करना मुश्किल है, इसलिए अब जाके आके रेस्ट करेंगे। ये रायला पुलिस स्टेशन, और ये आ गया रायला बाजार दोस्तों, अब तो रायला के पास भी ब्रिज बन गया, रायला नीचे हम ऊपर, पहले गाड़ियाँ बहुत रुकती थी इधर भी, तो लोग ड्राइवर लोग यहाँ पे ना वर्दियाँ चलाते थे, क्योंकि कपड़ा बर्फ मिलता है यहाँ बढ़िया, और कपड़ा भी मिल जाएगा और सिलाई करके भी दे देते थे, जैसे जाते वक्त बम्बे जा रहा है कोई हैदराबाद जा रहा है तो जाते वक्त दे देना, आधे पैसे दे देना, वापसी में जब उठाना है तो पूरे पैसे दे के अपनी वर्दी तैयार, बाकी और भी कपड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल जाते थे कच्चे कपड़े, बाकी वापसी में आपको सिल के मिल जाएंगे पूरे रेडी फिट। रायला असिन किशनगढ़ सीधा ही, कितना तगड़ा ब्रिज बन रखा है दोस्तों। दोस्तों कंटिन्यू, और हम पहुंच गए हैं विजयनगर, ये भी दोस्तों मयूर कंपनी है, देखो गेट इसका कितना प्यारा बनाया हुआ है, काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों, ये बहुत एरिया में फैली हुई है, जो ये चार दीवारी कर रखी है ना, ये इसकी सारी इसकी कंपनी की गेट है, काफी बड़ा प्लांट है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ये देखो एक गेट, ये इधर देखो इसका, ये देखो काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों ये भी, ये ब्रिज नया बना है दोस्तों यहाँ पर, पहले नहीं था ब्रिज, ये भी बनाया है नया, ये आ गया विजयनगर वाला नदी वाला ब्रिज,
वो रहा दोस्तों अंदर को विजयनगर, काफ़ी बड़ा गांव है दोस्तों विजयनगर भी, दोनों तरफ को है। ये इधर को गांव है, इधर को शहर है दोस्तों विजयनगर। ये बाजार अंदर को जाके काफ़ी बड़ा बाजार है दोस्तों विजयनगर। एक बार मैं ना इधर बैटरा लेने गया था अंदर, दूसरी क्या सिस्टाई है, क्या सिस्टाई के लिए तो बैटरा खराब हो गया था, तो बैटरा लेने गया था इलेक्ट्रिशियन के साथ अंदर, तब गया था मैं अंदर एक बार विजयनगर। जयपुर 183 किलोमीटर रह गया है दोस्तों जयपुर अपना। डीजल भी डलवाना पड़ेगा, कहीं बंदर बड़ा डलवाऊंगा, लाल पर चली गई स्विंग। अब 6 की एवरेज आ रही है अपनी गाड़ी की दोस्तों। आगे लगा है बैरिकेड, ये पता नहीं क्यों लगा दिया बिना मतलब से दोस्तों। 6 लाइन रोड है, बैरिकेड लगा दिया पुलिस वाले ने। पुलिस थाना विजयनगर, ये देखो पुलिस थाना दोस्तों विजयनगर। और चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, 12:30 होने वाले हैं दोस्तों, और हम पहुंच गए हैं बंधनवाड़ा। बंधनवाड़ा तो आगे यहाँ से टोल आएगा, टोल से आगे। इस जगह को हम लोग बंधनवाड़ा ही बोलते हैं, तो इधर होटल है अपने, सारे होटल इधर ही है, हम लोग भी यहीं पे रुकेंगे। दूसरी साइड को होटल है पार्को। यहाँ से जाएंगे हम पार्को कट लेके, पीछे से अपना रोड क्लियर है। ये तो मुड़ गया भाई, ये आ गया दोस्तों अपना होटल चौधरी नालागढ़ बद्दी डेरा बसी ढाबा। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, तो दोस्तों शाम के हो गए 6:30 और हम यहाँ बंदरवाड़े में आके रुके दिन में, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत है यार, तो गाड़ी चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाती। तो अभी उठे 5 बजे, तो नहाए धोए एंड नहा धो के फ्रेश, अब गाड़ी को मारेंगे कपड़े उपड़ा और उसी से साफ करेंगे और चलेंगे। चौधरी साहब हमें साथ नहीं है, चलो आपको दिखाता हूँ गद्दी में पार्किंग। ये है अपना डब्बा चौधरी नालागढ़ बद्दी डेरा बसी ढाबा, और ये है देखो यहाँ पे कटिंग कुटिंग वाले सारे इधर, ये भी खड़ी है देखो कंटेनर। चौधरी साहब तैयार हो गए फिर शीशे सुशे साफ करने के लिए। रोज शीशे साफ क्यों करते आप यार, हैं शीशे गंदे हो जाते हैं साफ करने से, रोज एक दिन का रेस्ट दिया करो शीशे को। शीशे भी बोलते हैं कि रोज आ जाता है, चढ़ जाता है ऊपर, बम्पर भी गाली मार रहा होगा रोज चढ़ जाता है। तो कर रहे हैं दोस्तों शीशे साफ अपन, साफ सफाई का टाइम हो गया, नहा धो के अपन भी फ्रेश, अब गड्डी को भी फ्रेश करेंगे। बाकी अपनी 4 गड्डियाँ खड़ी है नाला गड्डी, ओ देखो भाई उसमें हो रही है रेडियम टेप ऊपर। ये 10 चक्का 32 फुटा कंटेनर, अपनी तीनों गाड़ियाँ साथ साथ ही चली आगे पीछे, चमका दो जरा शीशे नुन। देखो पटियाला बॉडी में और सरंद की बॉडी में कितना फर्क रहता है, देखो अपना मत्था ना पीछे को है इसका आगे को है, तो पटियाला की अलग टोर है, सरंद वाले की अलग टोर है, और ये भी सरंद बॉडी है और वो भी सरंद वाले का ना मत्था पीछे को रहता है, होया वजह से इधर पीछे को ये पटियाला वाले का आगे को रहता है। तो दोस्तों चौधरी साहब लगे हुए शीशे साफ करने, तो हम भी क्यों रहे पीछे, तो मैं भी लग गया शीशे साफ करने के, नहीं तो मैंने करना नहीं था, तो चौधरी साहब करके लग गया मैं शीशे साफ करने। बाकी देखो लगे हुए देखो ईमानदारी से, आपके करके मेरे को भी करने पड़ रहे शीशे साफ यार, हैं क्या चक्कर। कितना मॉडल है आपकी गाड़ी, कितना मॉडल है, 23 क्या बोलते फिर लीलैंड के बारे में, पहले तो टाटा था ना, टाटा बढ़िया कि लीलैंड, दोनों बराबर, दोनों को बराबर वोट दे दिया चौधरी साहब ने यार। तो दोस्तों शाम के हो गए 7:20 और अब चल पड़े हम होटल से, ट्रैफिक बहुत है रोड में भाई। वो देखो बत्ती कोटा भी मुड़ रहा है, देखो ये भी जा रहे हैं इंदौर को, इस टाइम में फुल ट्रैफिक रहती है तो गाड़ी देख के मोड़नी पड़ती है यार, क्योंकि हमने जाना है दूसरी साइड को, रॉन्ग साइड हमें जाना है दोस्तों पार्क को, पीछे से गाड़ियाँ आ रही बहुत है, देखो बत्ती कोटा आ गया। देखो ये देखो दोस्तों मंदिर कितना प्यारा बना रखा, जय श्री राधे राधे। और दोस्तों ये पहुंच गए हम बंधनवाड़ा टोल प्लाजा पर, देखो नया टोल बन गया ना दोस्तों, ये अब शांति है, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत तगड़ा जाम लगता था भाई। ये तीनों टोल थे जो चित्तौड़गढ़ से बंधनवाड़ा तक, तो इन टोल को पार करना भी आसान नहीं होता था, बहुत तगड़ा जाम लगता था कई बार। अब देखो भाई जाम नहीं है, लाइनें बहुत सारी बनी हुई है, टेंशन भरी है। वो देखो भाई आरटीओ खड़े हुए टोल में, हम इसीलिए फर्स्ट लाइन में आगे, देखो वो टिप्सी लगा के खड़े ना उधर, बस जो टोल में कांटा करवाएगी और ओवरलोड निकल गया ना समझो, उनका तो वहीं पे चलान कर देना इन्होंने। आज हमें बस भीलवाड़ा वाला ही मिला आरटीओ, बाकी कोई नहीं मिला। अब देखते हैं जयपुर से आगे कोई मिलता है कि नहीं मिलता किशनगढ़ से आके, इधर वाले तो दोस्तों थोड़े में मान जाते हैं भाई, जो किशनगढ़ से आगे है ना वो नहीं मानते भाई, फोन की हद माननी पड़ेगी। अब शाम के 8 लगे बजने, अभी
रात को ओवरहीट होने लग गया फोन यार, वीडियो कट गई अभी बनाते बनाते। ये देखो कितना शानदार रोड बना हुआ है। अब दोस्तों जय किशनगढ़ से आगे रोड खराब है, ब्रिज बन रहे हैं बोलते, उधर भी जाम लगते तगड़े तगड़े। पता नहीं चौधरी साहब बता रहे थे बोलते किशनगढ़ से आगे सारे फ्लाई ओवर का काम चला हुआ, तो कई बार वहाँ जाम लगता है तगड़े वाला। देखते हैं आज जाम मिलता कि नहीं मिलता हमें। तो दोस्तों डलवा लिया है डीजल 5000 रुपये का, तो अब एंट्री हो जाएगी अपनी हरियाणा में। 50 लीटर डेल से ऊपर पड़ गया डीजल, तो अपनी बत्ती की टैंकी फुलती दोस्तों। तो अभी यहाँ पे डाला हमने 5000 का, एवरेज भी ठीक आ रही है अपनी 580 तक आ रही है, 6 तक पहुँच जाती है, 580 से नीचे नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ तक पहुँच गई है, नहीं तो चित्तौड़गढ़ तक ही पहुँचती है दोस्तों गाड़ियाँ। तो दोस्तों डलवा लिया है डीजल, तो अपनी बत्ती की टैंकी फुलती, बत्ती की टैंकी फुल यहाँ बंदनवाड़ा तक पहुँच गई, बंदनवाड़ा से आके नसीराबाद तक पहुँच गई अपनी गाड़ी। बाकी इस बार एवरेज भी ठीक आ रही है अपनी, तो मैंने सोचा था गाड़ी घूमी हुई थी फिर भी कवर हो गया दोस्तों, क्योंकि वापसी में अब अपनी एवरेज 6 के करीब आ रही है दोस्तों, इसलिए यहाँ तक गाड़ी पहुँच गई। बाकी अब हरियाणा में डलवाएंगे डीजल, चले हुए हैं दोस्तों और शाम के हो गए हैं 7:30। दोस्तों पहुँच गए हम किशनगढ़ और रात के बज गए हैं 9। मतलब कैंपर से पानी भरते हैं और पीते हैं और चाय जो पीते हैं और चलते हैं, और टायर टूर भी चेक हो जाएंगे, टायर टूर भी कर लिए चेक तैयार है, तो 5-10 मिनट का यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर चलेंगे कंटिन्यू, क्योंकि अब यहाँ से कंटिन्यू चलना है और जयपुर पार करना है, जयपुर पार करके रुकना, उससे पहले रुकना ही नहीं है दोस्तों। देखते हैं आज ट्रैफिक भी थोड़ी कम है तो जाम लगे ना शायद, तो चलो पीते हैं दोस्तों चाय और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ना चाय पीने का एक अलग अंदाज है, क्योंकि यहाँ ताज़ी चाय बनती है और बढ़िया देखो एंड फ्रेश चाय, दो पीने के बाद दिल खुश हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है, मतलब बढ़िया मस्त चाय बढ़ती है ताज़ी। होटलों में फिर गर्म करके दे देते हैं, वही केतलियों में रखा हो मिलता ना, मज़ा नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे किशनगढ़ में सब चाय यहाँ पे रुक के चाय पी के जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 9:20 हो गए हैं और हम चल पड़े हैं यहाँ से, जयपुर है दोस्तों यहाँ से 101 किलोमीटर, तो जयपुर पार नॉन स्टॉप करेंगे दोस्तों, रुकेंगे नहीं कहीं। जयपुर हिसार हुसूर जाना हो तो इधर नीचे ब्रिज पर ना चढ़े, ब्रिज के नीचे से चले जाएं आप, अजमेर उजमेर जाना हो तो ब्रिज के नीचे से लेफ्ट टर्न, तो जयपुर वाली साइड से जाना हो तो आपको इस ब्रिज में चढ़ जाना है किशनगढ़ से। पहले जाती थी दोस्तों, पहले जयपुर सीकर चूरू होकर जाती थी गाड़ियाँ, जब से एक्सप्रेस बना है तो गाड़ियाँ कोई नहीं जाती अभी इधर को, बहुत कम गाड़ियाँ जाती है, अब सब एक्सप्रेस होकर जाते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी बच जाता है दोस्तों। जी अभी हम नॉन स्टॉप चले रहेंगे दोस्तों, ये जयपुर पार हो जाए हमारा टाइम से जाम जूम ना लगे, तो हम सुबह को बद्दी भी पहुँच सकते हैं दोस्तों, और जिधर से जाएंगे दूर चारू होके तो सुबह दोस्तों हो जाती है हरियाणा पहुंचते पहुंचते, काफ़ी लंबा पड़ता है और एक्सप्रेस में टाइम कम लगता है, तो इसलिए सफ़र हो जाता है दोस्तों ज़्यादा। तो इधर को थोड़ा सा यही है जयपुर वाला एरिया, यहाँ से लेकर जयपुर जब तक कोटपुतली तक दोस्तों यही है कि आरटीओ का खर्चा ज़्यादा है, जो मिल जाए आरटीओ, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और दिन में तो लोग चलना ही नहीं पसंद करते हैं, दिन में आरटीओ अलग से है और ट्रैफिक पुलिस अलग से है, वो परेशान करते हैं काफ़ी। तो ऐसे घूम के अब हम हो जाएंगे दिल्ली वाले रोड में एंटर, इस एरिया में काफ़ी गाड़ी वाले रुकते हैं दोस्तों, सारे इधर चाय जो है टीके चलेंगे, सब रेडी होके चलेंगे एकदम पिच टायर टूर चेक करके, क्योंकि यहाँ से बाद नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी, कोई भी टाइम खराब करना नहीं चाहता इस किशनगढ़ से जयपुर के बीच में, सब यहीं पे सेट होके चलेंगे। और ज़्यादातर ना दोस्तों किशनगढ़ से कोटपुतली तक दोस्तों ड्राइवर लोग ना फर्स्ट लाइन में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरी साइड में चले रहेंगे तो आरटीओ टी होता, कई बार साइड वाले को तो रोक ही लेता है, जो फर्स्ट लाइन में हो तो गाड़ी निकल जाती है कई बार, इसलिए सब फर्स्ट लाइन में ही चलते हैं इधर को, क्योंकि हम साइड में चलेंगे तो आरटीओ एकदम हाथ इशारा दे देता है, फर्स्ट लाइन वाली गाड़ी निकल जाती है, तो इसलिए सारे इधर ना फर्स्ट लाइन में ही चले रहते हैं बस, तो ये टोल में भी खड़ा रहता है दोस्तों आरटीओ। बाकी जब आप साइड वाली लाइन में चले रहेंगे और हाथ मार दिया आरटीओ ने, आप नहीं रोका तो फिर पीछे आ जाता है, जब फर्स्ट लाइन में जो हाथ मार दिया तो आप बहाना लगा सकते हैं, भाई हम फर्स्ट लाइन में थे, दिखानी हमारे गाड़ी चली हुई थी उधर, ऐसे ऐसे बहाना लगा के बच सकते हैं आप, और जो उधर साइड में चले हो आपने गाड़ी भगा दी ना रोके तो पीछे आके फिर आपका मोटा चलान कर सकता है, जो फर्स्ट लाइन में आप बहाना मार सकते हो बहाना बन जाता है, तो ये टोल में भी रहता है दोस्तों आरटीओ। देखते हैं और 31 मार्च का टाइम है दोस्तों और लास्ट टाइम है, लास्ट डेट है चली हुई, तो देखते हैं कैसा रहता है प्रोग्राम। मैं ना टोल में भी फर्स्ट लाइन में रखूंगा, क्योंकि साइड में कई बार रहते ना उधर को तो हाथ मार देते हैं, इधर फर्स्ट लाइन से निकल जाएंगे सटासट टापोटापर को, ये होगा जो खड़ा आरटीओ, अपनी लाइन यार चल नहीं रही है, आगे गाड़ी वाले का फास्ट टैग चल रहा है, उधर से धड़ाधड़ निकल गई गाड़ियाँ, चलो कोई बात नहीं 2 मिनट की तपस्या है, कोई चक्कर नहीं। चौधरी साहब निकल गए पल्ली साइड से, देखें चौधरी साहब मेरे पीछे थे चले गए अभी, चलो आगे रहेंगे तो बढ़िया ही है, टेलर वाला का तो चल नहीं रहा, मैं दूसरी लाइन में आ गया चौधरी साहब के पीछे, कुछ इधर से तो अपना टोल कट भी गया और टेलर अभी वहीं खड़ा है दोस्तों, उसका चला ही नहीं, तो बढ़िया हो गया इधर को मौका मिल गया, इधर से निकाल दिया अपनी गाड़ी,
आज तो है नहीं सेम आरटीओ यहाँ पर, मैं यहाँ टोल पे खड़ा रहता है दोस्तों। इस लाइन में ना दोस्तों टेलर चलते हैं ना, तो इनके पास थोड़ा सा स्लो रहती है गाड़ी, क्योंकि टेलर चले भाई रहते हैं मजे मजे से भाई। ये तो अपनी कह रहे थे तो ठीक स्पीड में चले रहते, जितना का कंट्रोल होगा टेलर उतना ही चलेगा। बाकी कई टेलर ऐसे हैं कि आपने सामने लगे रहते हैं, तो इनके वजह से पास लेन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी देखो ये एक टेलर इधर चला हुआ है, एक टेलर उधर चला हुआ है, तो पूरी साइड भी नहीं दबा के चलते ना। ये तो देखो अपनी साइड पूरी साइड दबा के चला हुआ, अगला टेलर देखो ये आधे में चला हुआ है, उसने ना लाइन उधर कर रखी है ना उधर कर रखी है, देखो बीच में चला रहता है, देखो मजे से चला हुआ है, देखो ये दिक्कत रहती है बस। ऐसा लगता है थोड़ा इनके वजह से थोड़ा जाम लग जाता है, दोनों साइड गाड़ियां चली बराबर, गैस वाला भी टेलर वाले के बराबर चला है, थोड़ा खींच ले खींचेंगे नहीं बस, या एक साइड दबा दे साइड वाली में ना, बीच वाली लाइन खुली रहने दो ना। आ जाओ चौधरी साहब, आ जाओ यहाँ से दोस्तों अपना कोटपुतली तक यही हाल रहेगा, ब्रिज के काम चले हुए हैं और बीच बीच में जाम भी लग सकता है, पर अभी ट्रैफिक कम है तो जाम लगा नहीं, नहीं तो ऐसे समय जैसे सिक्स लाइन से एकदम सिंगल हो जाए ना तो जाम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि आगे सिंगल रहता है तो उसकी वजह से जाम लग जाता है, पर अभी तो हम फिलहाल तो इस जाम से बच गए हम यहाँ पे। लो जी दोस्तों पहुँचने वाले हैं दुदू, तो यहाँ पर लग गया थोड़ा सा जाम दोस्तों, मेरे को लगता कुछ हुआ है यार, आगे धूल ही धूल उड़ रखी है आगे। तो अभी पहुँचे हैं दोस्तों पड्डा सोली दुदू से पीछे, तो यहाँ पे भी फ्लाई ओवर का काम चला हुआ था, उस वजह से ये हल्का सा जाम है दोस्तों, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। अब कोटपुतली तक दोस्तों यही रबड़ा है बस, जाम लगते रहेगा क्योंकि सारे फ्लाई ओवर के काम चले हुए हैं दोस्तों। हम तो अभी फर्स्ट लाइन में गलत फंस गए यार, हमें दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा क्योंकि सारी कनेक्ट साइड कोई कटेगी गाड़ियाँ, तो धीरे धीरे इधर को करना पड़ेगा काम, तभी बात बनेगी। ये मैंने इधर को घुसा दिया, चौधरी साहब आ जाए तो बढ़िया ही था। तब इधर को हमने दबा लिया गाड़ी, फर्स्ट लाइन भी हमने कवर कर ली, फर्स्ट लाइन भी चौधरी साहब फिर चलेगी परे को यार, इधर को ही रखो चौधरी साहब, काफ़ी लंबा जाम है दोस्तों। ये तीन लाइनों वाला दोस्तों रोड है ये, और चार लाइनें भरी पड़ी है, कार कूर वाले तो कच्चे से ही जा रहे हैं, नीचे से कच्चे में उतर के पूरे, क्या करें। आ जाओ चौधरी साहब आ जाओ, बहुत ही लंबा जाम लग गया ये यार, क्या रहे चौधरी साहब भी पता नहीं क्या करें ना, इधर को रख रख दी ना उधर को भाई, क्या ही बोले दोस्तों, तो लाइन कहाँ चली गई देखो, बल्कि मैंने इधर को आने दिया था मजे से, फिर भी भाई पता नहीं क्या सिस्टम है, तो अपनी लाइन दबा के चल लेना, ऐसे में गाड़ी पूरी पूरी जाती है ना दोस्तों यार, ये दिक्कत रहता है बस अकेले बंदे को। ये डबल लाइन लाइक है नहीं यार, किसी गाड़ी की ज़्यादा चौड़ाई हो तो टच भी हो सकती है आपस में, इसीलिए वो ये सिंगल करना पड़ेगा इसको, ताम जाम बीच में दबा के चलना पड़ेगा, टेलर वाले ने दबा दिया बीच में ही, तो जाम ना लगे गाड़ी का टकराव ना होता दोस्तों। टेलर वाले ने मेरी साइड को दबा दी, मैंने इसकी साइड को दबा दी, अब पीछे वाली गाड़ियाँ आएगी नहीं, अब इधर से भी नहीं आएगी, क्योंकि ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर यार एक्सीडेंट होने का डर रहता है, अब वन भी हो गया ना, अब टेंशन कोई नहीं। अब ऐसे में कार का ध्यान रखना पड़ता है बस, कार का इसलिए रखना पड़ता है कार वालों को रहती है जल्दबाजी, बड़ी गाड़ी वाला तो ऐसे में करता नहीं है, ऐसे ही गुस्ताखी हो रही परे घुसने की, कार वाले रहते बस इनका रखना पड़ता है ध्यान। ये चला हुआ फ्लाई ओवर का काम, तो कलकत्ते वाला ही सीन हो गया दोस्तों इधर को, पर कलकत्ते साइड तो भाई गाड़ी हिलती भी नहीं है, इधर को तो गाड़ी हिल तो जाती है। डबल लाइन का काम चला हुआ, डबल ब्रिज देखो, दो दो ब्रिज साथ साथ चका हुआ इन्होंने काम, दोनों लाइनें। ये चला हुआ अपने आगे RJ09GC3424, क्या लिखा है, कोमल सुमन राजवीर लकी भारत राजा मामा भांजा मंगल मंगल अर्जनपुरा, क्या बात है भाई, क्या लिखा हुआ, तो मामा भांजा लिखा हुआ है, मामा भांजे की, मामे की और भांजे की गड्डी होगी दोनों की, कोई सिस्टम होगा राजस्थान में, मामा भांजा ढाबा लिखा होता कई जगह, कई ने गाड़ी में लिखाया होता तो बताना राजस्थान वाले क्या सिस्टम है मामा भांजा। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और दुदू अपना हो गया है दोस्तों बाहर, फिलहाल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, चले हुए हैं मजे मजे से, एक ही जगह जाम लगा हल्का दुदू से पीछे, बाकी अभी चले हुए हैं, और दुदू वाला आके भी नहीं मिला भाई, नहीं तो दुदू वाला भी रहता है खड़ा, पर आज बढ़िया ही है, नहीं मिले भाई बढ़िया है सिस्टम। बाकी आप ट्रैफिक देख सकते हो दोस्तों, दोनों साइड से फुल ट्रैफिक चली हुई इस टाइम, अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी दोस्तों, दिल्ली की ओर से तो बढ़नी शुरू हो जाएगी और अपनी साइड से भी। लो जी दोस्तों दुदू पार करते ही यहाँ पर भी फ्लाई ओवर का चला हुआ है काम, यहाँ पर भी लगा हुआ है हल्का सा जाम,
अरे अरे टेलर टेलर रुक जा रुक जा भाई, यहाँ तो अपने को जल्दी छुटकारा मिल जाएगा शायद। चौधरी साहब ढिल्ले बहुत जाम में उधर, और परे को हो जाते यहाँ से घुसा देंगे हम बीच में फटाफट से। चलो 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 चलो, ऐसे में यार फंसने वाला काम रहता है, मैंने सोचा बीच में घुसा दूंगा इधर से चिपका के। आ रहे यार जल्दबाजी निकलनी भाई, मैं फंसा हुआ ना रह जाऊँ बीच में यार, इधर से भी टेलर है इधर से भी टेलर है, जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान भी हो जाता है। चौधरी साहब भी आ गए भाई, चलो मैं तेरे को घुसा देते हैं चौधरी साहब को, ये फायदा हो जाता है दो गाड़ी हो ना अपने, तो एक दूसरे को अंदर घुसवा दो बस। मौके पर ही पहुंचे चौधरी साहब, नहीं तो फंस जाते वहीं अभी, तो यहाँ पे भी अब सिंगल करना पड़ेगा शायद, तभी बात बनेगी। लाइटें पर लाइटें मार रहा है पिछले वाला, अपने कर दी सिंगल इधर को, मगर डबल गाड़ी कहाँ क्रॉस होगी इधर को। ऐसे में ना दोस्तों, जैसे आपको मौका मिले ना सिंगल कर दो लाइन, बस बीच में रखो गाड़ी, नहीं तो डबल डबल लाइन लगती है ना, फिर साइड क्लास टूटने के ज़्यादा डर रहते हैं। ऐसे में ये घुसते हैं ना दोस्तों, ये कोशिश हमने बहुत करी थी, और वो पिकअप वाले के पीछे ही आ गया, मैं कहा जल्दबाजी के चक्कर में सामना खराब कर दे। अब चला जाता नहीं इससे, अब कर दिया हमने फिर पीछे, बस चले रहो अपनी लाइन में, जैसे ना भाई एकदम घुसना है धक्का करना है बस, और परे इसी चक्कर में फिर जाम लग जाता है। फिर अभी भी उसको आग लगी है, देखो एक इधर को है देखो पूरा निकला हुआ, दोनों साइड निकले, मैं कहा निकलते हो, लाइट पर लाइट मार रहे पीछे से, फिर जब हाईवे चलेगा फिर चलते नहीं है, फिर यहाँ सिंगल रोड में बस इनको दौड़ाने की लग जाती है। फिर अब आ गया फोर लाइन, अब दौड़ाओ जैसे मर्जी जिधर मर्जी चलो पास। अब दोस्तों मेन फंगा रह गया हमारे को बगरू वाला, बगरू पहुँचने वाले हम, बगरू वाला भी बहुत खतरनाक है आरटीओ, वो ना मिले और जयपुर वाला बस। यहाँ पे बच गए दोस्तों जाम से, यहाँ पर नहीं लगा जाम क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ सिंगल सिंगल थी दूर दूर, तो बचाव हो गया इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे भी जाम लग जाता 15-20 मिनट खराब होते, यहाँ बच गए दोस्तों। तो काम चला हुआ है दोस्तों रात को भी, देखो वेल्डिंग कर रहे हैं देखो ऊपर, तो अभी पहुँचे हैं मोखमपुरा जयपुर से पीछे, जयपुर पहुँचने वाले हैं। दोनों साइड को नहीं लगा दोस्तों जाम, ये देखो क्या नज़ारे भी, दोनों साइड को ही नहीं लगा है जाम, गाड़ियों में गैप हो ना दोस्तों दूर दूर हो फिर नहीं लगता है दोस्तों जाम, एकदम साथ आ जाती है ना गाड़ी का, तो मतलब 10-15 गाड़ी भी एक साथ हो फिर भी जाम लग जाता है, क्योंकि एक साथ ही आ जाती है गाड़ी तो फिर जाम लग जाता है। अब बिरली बिरली चली रहेगी गाड़ी तो जाम कोई नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि फिर सिंगल सिंगल फटाफट निकल जाती है गाड़ी। तो अभी 10-15 किलोमीटर दोस्तों हम कंटिन्यू चले रहेंगे, महलान के पास है थोड़ा सा, वहाँ पे भी जाम लगा हुआ है थोड़ा सा, वहाँ पे भी फ्लाईओवर का काम चला हुआ है, बस महलान निकल जाए फिर उसके बाद जयपुर के पास है थोड़ा सा, फिर उसके बाद शाहपुरा से आगे को मिलेगा आपको जाम, फिर महलान के पास भी थोड़ा सा जाम शो कर रहा है, ज़्यादा नहीं है। लो जी दोस्तों यहाँ के जाम से भी बच गए, महलान पहुँच गए हैं दोस्तों अब तो हम, बाकी सिंगल रोड है सिंगल वन वे हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो गाड़ी चले रहेगी टुच टुच करते हुए, पर ऐसे भीड़ भड़ाके से बच गए, दूसरी साइड भी चली हुई गाड़ी आराम आराम से। लो जी दोस्तों निकले आए जाम से और जयपुर रह गया यहाँ से हमें 37 किलोमीटर दोस्तों, और एक बात है दोस्तों जो ये किशनगढ़ से जयपुर कोटपुतली तक है ना, इतने राजस्थान में सबसे ज़्यादा आरटीओ इसी एरिया में है, मतलब जितना जयपुर का एरिया पड़ता है ना दोस्तों इसके नज़दीक नज़दीक सबसे ज़्यादा आरटीओ है सर, किशनगढ़ वाला अलग हो गया, फिर दुद्धू वाला, बगरू वाला, जयपुर वाला, शाहपुर वाला, कोटपुतली वाला, इतने सारे आरटीओ ना इस डिस्ट्रिक्ट में इस एरिया में कम से कम 40 आरटीओ होंगे भाई, हर एक जगह में हर एक आरटीओ है भाई, हर 10 किलोमीटर बाद नया आरटीओ खड़ा हो जाता है, पर ये है कि आज मिले नहीं हमें कोई भी, ये हमारी किस्मत अच्छी चली हुई है अभी। नई दिल्ली 296, जयपुर 32, बगरू 1 किलोमीटर, तो पहुँच चुके हैं दोस्तों बगरू। तो यहाँ पर हो रखा है एक्सीडेंट भाई, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट है भाई, वो तेरी कुछ नहीं बचा हुआ भाई टेलर का, ये देखो उसका डैशबोर्ड बेचारे का यहाँ पड़ा हुआ है, ओहो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट दोस्तों ये बगलों में हो रहा था भाई, मेरे को तो लगता भाई बंदे जितने भी होंगे बचे ही नहीं होंगे भाई, तो दोनों टेलर का एक्सीडेंट हुआ भाई, एक टेलर ने दूसरे टेलर के डाले में मार दिया गाड़ी, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट भाई। और हम पहुंच चुके हैं बगलू और रात के बज गए हैं 11 भाई, एक्सीडेंट इतना खतरनाक हो रहा था दोस्तों यार, देख के मन इकट्ठा हो गया यार, मेरे को लगता कि पहुंचा होगा वो ड्राइवर भाई, उसका
रात खत्म हो रखा है बिल्कुल। इंटर भी दोस्तों साइड में पड़ा हुआ उसका टेलर का भाई, इतना खतरनाक से लोग से मारा हुआ। जो दूसरा टेलर है उसका भी भाई बोटी खत्म कर दिया है, पत्थर भरे हुए फिर भी इतना डेमेज दिया ना उसको, पता नहीं भाई कितनी स्पीड में बची होगी। मेरे को लगता है जाके उसके डालने में ही रुकी होगी गाड़ी भाई, बहुत ही तगड़ा भाई। ऐसा तो भाई ऐसे किसी गाड़ी वाले साथ ना हो यार भाई, सब सेफ रहे बस, आराम से चलो दोस्तों। स्लो ड्राइव भी लॉन्ग ड्राइव किसी ने बोलते आराम से चलो, अपने कंट्रोल में चलो। और नींद में तो भाई गाड़ी चलाना ही बेकार है, क्योंकि अपने आप तो मरेंगे दूसरे को भी मारने वाला काम हो जाता है नींद में, इसीलिए भाई चलो नींद में। टोल प्लाजा आने वाला है सामने, टिकारिया टोल प्लाजा भाई, वो देखो आरटीओ साहब, ये देखो ये बच गए दोस्तों अभी, तो ये टोल पार कर लेते हैं फटाफट से। ये बगरू वाला आरटीओ है दोस्तों, अभी बगरू और जयपुर के बीच में हम टोल प्लाजा टिकारिया टोल प्लाजा पर, तो ये आगे कोई आ रहा है भाई आरटीओ, देखा आपने आरटीओ ने रुकाया हुआ गाड़ी। अब खींच के रखाऊँ दोस्तों मैं फटाफट यहाँ पे, आगे भी बत्ती जली हुई भाई, कोई आरटीओ तो नहीं होगा उधर। ये एक और एक्सीडेंट कंटेनर को लेके जा रहा है क्रेन वाला भाई। अब मैं दोस्तों इधर ना फर्स्ट लाइन में ही रखूंगा, क्योंकि उधर को आरटीओ घेर सकता है, पीछे से आएगा आगे कोई है। ये टोल वाले भी ना फटाफट नहीं चलवाते टोल यार, फटाफट कट जाए ना, पता नहीं क्यों टाइम लगता है इन टोलों में। जितने वो आरटीओ आएगा उतने हम निकल जाएंगे, पर ये टोल वाले तो टाइम लगवा देते हैं यार। तो दोस्तों बगरू वाले आरटीओ से तो हम बच गए, निकले आए वहाँ से टोल प्लाजा से फटाफट एकदम भगा के। अब देखते हैं आगे जयपुर के पास भी अब फ्लाई ओवर का काम चला, वहाँ लगा हुआ है जाम, मेरे को लगता है वहाँ पे ना मिल जाए आरटीओ यार, क्योंकि वहीं पे जयपुर शुरू हो जाता है वहीं से, और वहीं पे लगा हुआ है थोड़ा बहुत जाम दोस्तों, तो वहाँ कहीं खड़ा ना मिल जाए। ट्रैफिक वाले भी मिल सकते हैं वहाँ फ्लाई ओवर के नीचे, देखते हैं जैसा भी होगा। तो दोस्तों पहुँच गए हैं जयपुर भाई, मेरे को लग रहा है कि आरटीओ जा रहा है शायद, बत्ती वाली गाड़ी जा रही है आरटीओ, आरटीओ ही है दोस्तों। ओह क्या बात है भाई, ये मौके पर ही मिल गया यहाँ पे जिसका डर था। अरे ऑटो चल ले यार, क्या कर रहा है वेंचर, थोड़ा खींच के रखना पड़ेगा दोस्तों, कहीं हाथ ही ना मारते ये। अब ये मूड में नहीं लग रहा दोस्तों, तो यहाँ से तो निकले आए दोस्तों, देखते हैं आरटीओ अभी पीछे चला है, मेरे को लगता बाद में आके आके जाके जाम में घेरेगा भाई। दूसरी साइड तो खचाखच लगा हुआ है दोस्तों, जाम बड़ा तगड़ा लगा हुआ है, ये 1.5-2 किलोमीटर से लगा हुआ दोस्तों। मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि आरटीओ की जीप सी चली हुई पीछे पीछे, तो इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गाड़ी भगाने में ज़्यादा ध्यान दिया। ये देखो भाई बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, क्योंकि आगे फ्लाई ओवर का काम चला हुआ है, तो हमारी साइड तो लगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारी साइड वाला फ्लाई ओवर इन्होंने चालू करा हुआ था, तो इसलिए हम थोड़ा जाम से बच गए। तो एक बार आरटीओ फिर आ गया हुआ है, देखो उधर को पीछे को ये चलेगा, देखो फिर तो अच्छा, ये तो एम्बुलेंस है वो, देखो ये कवर खड़ा है आगे, देखो ये यहाँ पे गाड़ी रोकने की तैयारी में है दोस्तों, मुझे लग रहा ये आरटीओ की कौन है भाई, यहाँ पे तो बत्ती है आरटीओ ही है भाई, ये नहीं कुछ पुलिस वाले शायद, आरटीओ तो पीछे रह गया है, तो यहाँ से हम मुड़ जाएंगे बस, ये पुल क्रॉस करके ना फिर कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से हो जाएंगे दोस्तों हम लेफ्ट साइड को सीधा चले गए, ये जयपुर सिटी के लिए अंदर के लिए, और कोटा कुट्टा के लिए भी इधर से निकल जाता है दोस्तों रोड। तो ऊपर फर्स्ट लाइन में चल ले उधर को ना, इधर को आना है बस, क्या करें मौसम खराब कर दिया एन मौके पर। और जो दोस्तों जयपुर से निकले आए बाहर को, और जयपुर में दोस्तों ज़्यादा खुश होने की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चार चार आरटीओ है जयपुर में, चार आरटीओ कोई कहीं भी मिल सकता है भाई, इधर को आगे को भी एक अड्डा आरटीओ का। तो ये एरिया टप जाए हम बाईपास वाला, फिर दिक्कत नहीं है कोई। इन मोटरसाइकिल वाले को देखो अपने साइड में चल दो तुम ना, पिच में चला हुआ भाई, क्या ही बोले दोस्तों इनको भाई, अपने साइड में चल ले तो इसीलिए तो मरते हैं, फिर बोलते हैं कि बड़ी गाड़ी वाले ने रगड़ दिया, क्या करें पिच रोड में चला हुआ है। इन ट्रैक्टर ट्राली वाले का भी अलग ही स्वैग है, देखो दोनों चले हुए मस्ती में बराबर रखे भाई, क्या ही बोले दोस्तों इनको भी, ट्रैक्टर वाले भी कम नहीं है भाई। हो गया अलग अलग, पहले बराबर चले रहे, देखा कि ट्रैक्टर वाले ने भाई बात नहीं बन रही तो पीछे ही हो गया, ऐसे ऐसे नमूने भी चलते हैं भाई, क्या करें बहुत कुछ चला रहता है दोस्तों हाईवे में। तो चले हुए हैं परमानेंट लगातार, और हम पहुंच गए हैं दौलतपुरा जयपुर अपना दोस्तों, गया हो बार और रात के बज गए हैं 12 भाई, कंटिन्यू चले हैं किशनगढ़ से, रुके नहीं है कहीं, और बाकी आरटीओ से भी बच गए फिलहाल दोस्तों सारे से, डुड्डू वाले से, बगरू वाले से, जयपुर वाले से, और बगरू और जयपुर वाला तो मिल गया था, पर हमने गाड़ी भगा ली और निकल के बच गए, और इतनी ज़्यादा मैंने गाड़ी खींच ली वहाँ पर, चौधरी साहब रह गए पीछे, उनका कहीं रुक के करूँगा इंतजार, गाड़ी दिखी नहीं रही पीछे क्योंकि स्लो स्लो चले हुए मजे से, मैंने कहा आरटीओ के हाथ से चढ़ने से बढ़िया अपने गाड़ी भगा लो भाई। तो अभी देखते हैं, अभी रुकते हैं यहाँ, चले रहूँगा आते आते, थोड़ा स्लो कर देता हूँ गाड़ी, चौधरी साहब आ जाए।
तो ये आ गया दोस्तों सामने दौलतपुरा वाला टोल प्लाजा, तो यहाँ पर भी मिल सकता है आरटीओ, देखते हैं क्या सिस्टम है। तो ये टोल पार करके रुकेंगे चौधरी साहब के लिए। टोल प्लाजा तो दोस्तों सुनम धान बड़ा है यार, गाड़ियाँ ही नहीं है, किधर की गाड़ियाँ, सब पीछे रहेगी, मैंने गाड़ियाँ ज़्यादा भगा दी ना, इसीलिए चौधरी साहब भी पीछे रहेगी। तो टोल अपना हो गया है बाहर दोस्तों, जिप्सी तो खड़ी है यहाँ पे बलेरो, और ये आरटीओ नहीं है, यहाँ पे कर लेता हूँ चौधरी साहब का इंतजार में। तो दोस्तों दौलतपुरा वाला टोल कर लिया है पार, और चौधरी साहब अभी तक आए नहीं, काफ़ी पीछे रह गए। मैंने आरटीओ को देखते ना बहुत भगाई गाड़ी यार, बहुत ज़्यादा 80 प्लस था मैं स्पीड पे, तो यहाँ पे आके मेरी थोड़ी कम हुई, तो थोड़ी सुस्ती सी पड़ी थी, तो एक घंटा लिया सिंह को सिंह पीछे, और चौधरी साहब का करते हैं इंतजार। तो दोस्तों चल पड़े हैं और चौधरी साहब भी आ गए हैं, तो चौधरी साहब ने गाड़ी रोकी थी, टीटी करके निकल गए, आधे घंटे का फर्क पड़ गया था दोस्तों। तो चल पड़े देखते हैं चौधरी साहब कहाँ रुकते हैं, तो अपन ने जो है घंटा ले लिया पी लिया, और थोड़ा सा ना इसमें पी के थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है, पता नहीं क्या मिलाते क्या नहीं इसमें बोलते हैं, और अपने को थोड़ा जब शरीर सुस्ता हो जाए तो मैं ये पी लेता हूँ दोस्तों ठीक, बाकी ये गलत तो है ही है, पर चलो जैसा भी है, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए इसको, दिन में एक चल पड़ता है दोस्तों। तो मैंने पिछले वीडियो में पिया था, पिछले जब मैं इंदौर था तब पिया था, उसके बाद दूसरे दिन आज तीसरे दिन पी रहा हूँ, लगातार नहीं पीता हूँ। चले हुए हैं कंटिन्यू, और हम पहुँच गए हैं मनोहरपुर, ये देखो फ्लाई ओवर डोसा वाला रोड, तो यहीं से हम उड़ते थे डोसा के लिए जाते थे, यहाँ निकलना था हमने आते वक्त, ये पाया कुर्ता आते ये जा रहा है देखो रोड, तो यहाँ मनोहरपुर वाले टोल पे भी रहता है आरटीओ, देखते हैं आज मिलेगा कि नहीं, यहाँ पर तो पक्का ही रहता है दोस्तों इस टोल पर। ये देखो दोस्तों ये कोटा वाली साइड से आई गाड़ी, देखो इसीलिए वो सर्विस रोड में नाच रहा है, हम भी कोटा वाली साइड से आते थे, इसके ब्रिज के नीचे से जाना था हमने, और सीधा टोल टैक्स के पास निकलना था जाके हमने, और ये पहुँच गए दोस्तों हम टोल प्लाजा पर, ये वाला टोल प्लाजा भी खाली खाली सा लग रहा है, आज है नहीं आरटीओ शायद यहाँ पर, बिल्कुल सुनम सान है भाई टोल प्लाजा, चलो आरटीओ भी नहीं है। लो जी दोस्तों टोल प्लाजा अपना क्लियर, चलो आरटीओ से इधर से भी बच गए, इधर भी नहीं मिला आज, ये आगे चौधरी साहब, चलो 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 चलो, चौधरी साहब को लीडर बना रखा हमने, मगर चले रहो आप आगे आगे यार। तो है दोस्तों कंटिन्यू धीरे धीरे, और मनोहरपुरा वाला टोल भी अपना दोस्तों हो गया पार, मनोहरपुरा तक तो फिलहाल दोस्तों हमें कोई आरटीओ उठियो मिला नहीं, मिले तो थे लेकिन खर्चा नहीं आया दोस्तों, और मनोहरपुरा का तो मेरे को पूरा चांस था कि ये टोल प्लाजा पर आरटीओ मिलेगा ही मिलेगा, पर आज ना टोल में चांस था ना कोई आरटीओ था भाई, अब देखते हैं शाहपुरा वाला और कोटपुतली वाला मिलता है कि नहीं दोस्तों, बाकी अब हम रुकेंगे जाके हरियाणा में, जैसे मैंने देख लीजिए हरियाणा में एंटर होते ही वहाँ पे रुकेगा ढाबा, तो वहाँ पे रुकेंगे जाके स्टॉप करके वहाँ पे खाना वाना खाएंगे, और बाकी आगे चलना है कि नहीं चलना वो चौधरी साहब से डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम बनता है। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शाहपुरा, और देख सकते हैं इस टाइम ट्रैफिक भी हमारी साइड से बहुत कम हो चुकी है, इतनी गाड़ियां नहीं चल रही है अपनी साइड से, और इसलिए हमारे को जाम भी नहीं लगा, नहीं तो यहाँ पे आपने पिछले से पिछले चक्कर देखा होगा, तो शाम के टाइम हम इस एरिया को क्रॉस कर रहे थे तो बहुत ही तगड़े वाला जाम लगा हुआ था, तो आज देखो दोस्तों कोई जाम नहीं है बिल्कुल भी, बाकी थोड़ा सा रोड खड्डे वाला है, हाई फ्लाईओवर का काम चला हुआ था उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत यही है कि दूसरे तीसरे में चलना पड़ रहा है, बाकी ये काफ़ी जल्दी तैयार होने वाला है दोस्तों ये ब्रिज, और इस टाइम गाड़ी चलाने का भी दोस्तों फुल मजे आ रहे हैं इस टाइम, तो इस टाइम रात के बज चुके हैं दोस्तों एक, तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया क्योंकि गाड़ी वाले अब सो गए हैं जयपुर पार करके सारे, तो दूसरी साइड को भी दोस्तों हल्की फुल्की ट्रैफिक रहेगी है, अब सुबह के टाइम ट्रैफिक बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों अभी यहाँ से कोटपुतली तक दोस्तों टापो टापे रोड, तो कोटपुतली के पास भी चला हुआ है ब्रिज का काम, तो मैप के हिसाब से तो वहाँ पर भी कोई जाम नहीं है अभी, अभी देखते हैं जाके कोटपुतली, बाकी दूसरी साइड नीचे देख सकते हैं आप लोग, निचली साइड भी ट्रैफिक है नहीं, ये ट्रैफिक तो नॉर्मल है, इतनी तो रहेगी रहेगी, पर ये जो सुबह शाम रहती है ना दोस्तों ट्रैफिक यहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए हम जब इंदौर जा रहे थे तो हम हरियाणा बॉर्डर में ही सो गए थे, तो रात को 2 बजे निकले थे वहाँ से हरियाणा से हम, और टापो टाप गए थे, कोई जाम नहीं कोई सामने, तो इसीलिए हम सो जाते हैं दोस्तों रात शाम के टाइम, और रात को चलते हैं सुबह के टाइम कभी भी। और बाकी ये देख सकते हैं आप लोग होटल वाले बोर्ड फिर शुरू हो गए, सुखदेव होटल, एसी रूम होटल, हाईवे किंग, बस इन बोर्डों ने अब परेशान कर देना लोगों को, सोचने में मजबूर कर देते हैं कि होटल किंग में रुके, सुखदेव में रुके, किस में रुके, और इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे दोस्तों ने, वो क्या बात है, ये मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा तरीका है। ये नज़ारे दोस्तों रात को चलने का, पता नहीं लगा कोटपुतली कब पहुँच गए, कब इधर पहुँच गए फ्लाई ओवर के पास, ये नज़ारे हैं रात को चलने का, और पुतली पुतली अंदर को जाके साइड में वो लगा देखो पुतली का बोर्ड, बस दो
दोस्तों यही कोटपुतली का लास्ट एरिया है बस, इससे आगे आपको टापो टाप फोर लाइन रोड कंटिन्यू चला रहेगा। बाकी आज हम शुरू में फंसे दोस्तों जाम में, जबकि उधर ट्रैफिक ज़्यादा थी ना, इसीलिए दोस्तों जाम लगा उधर को। बाकी कोई जाम नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं आई, और गाड़ी चलाने का भी टाइम दोस्तों फुल मजे आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक है नहीं और मौसम भी ठंडा है रात को और गाड़ी भी ठंडी है। और भाई कंटिन्यू चले हुए हम, कंटिन्यू नॉन स्टॉप किशनगढ़ से। किशनगढ़ में रुके थे हम, वहाँ पर थोड़ी चाय पीने के लिए 5-10 मिनट का वहाँ पे ब्रेक दिया, टैटू चेक किए। बाकी मैं एक जगह रुका था चौधरी साहब का इंतजार करने के लिए, वहाँ पे मैंने स्टिंग लिया वो पिया, और चौधरी साहब तो कंटिन्यू है भाई, इन्होंने बाथरूम भी नहीं किया, मैं तो बाथरूम जाया आया था, तो चौधरी साहब बाथरूम करेंगे जाके हरियाणा में ही। लो जी दोस्तों खराब रोड अपना हो गया है पार, देखो दूसरी साइड भी ट्रैफिक कम है इस टाइम, और यहाँ से हो गया कोटपुतली बाजार स्टार्ट शुरू हो गया भाई। यहाँ से रात का नाइट व्यू चेक कर सकते हो दोस्तों आप कोटपुतली का, बिल्कुल सुनमसान पड़ा हुआ, सन्नाटा छाया हुआ है, और दिन में आओ तो वाह वाह क्या बात है, कै पे ते पे चले रहता। नीम का थाना दिल्ली 158 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से, और चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और कोटपुतली अपना हो चुका है दोस्तों पार, और भाई चले गए तो भाई नॉन स्टॉप बिल्कुल। मैं तो जगह रूम भी गया था इंतजार में, और वहाँ पे बाथरूम भी जाया था, टायर टूर भी चेक कर लिए थे, सब कुछ ओके, घंटा भी भेजिया मैंने, अभी तो साहब रुके नहीं है नॉन स्टॉप चले हुए भाई, ये तो भाई बाथरूम भी जाके हरियाणा में करके जाके बॉर्डर में। लो जी दोस्तों समझो तकरीबन अपना कोटपुतली पार हो ही चुका है, और खुशी की बात ये है दोस्तों कि आरटीओ से बच गए हम, कोई आरटीओ नहीं मिला हमें, जो मिले थे उनके पास उनसे हम निकल आए, और बचाव हो गया है, कोटपुतली वाला भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला हमें आरटीओ भाई आज। और अब हमारा सफ़र रह गया है 30-35 किलोमीटर का, तो उसके बाद हम हरियाणा में एंटर हो जाएंगे, और टेंशन फ्री होकर सो जाएंगे खाना खुना खा के, क्योंकि 2 बज चुके हैं दोस्तों, तो अभी वहाँ होटल तक पहुँचते आधा घंटा लग जाएगा, आधा एक घंटा, 3 बजे के करीब पहुँच जाएंगे होटल में, तो फिर सुबह का टाइम आपको बताइए, खाना खाएंगे फिर उस पर सुस्ती पड़ जाता है, तो खाना खुना खाते खुदते हमको 4 बजे जाएंगे, तो फिर उस टाइम होता है नींद का टाइम दोस्तों, और बाकी एक्सप्रेस में आपको बताइए फिर नींद तगड़े वाली लगती है, खतरनाक वाली, इससे बढ़िया दो तीन घंटे रेस्ट करके बाद खींच देंगे, तो दोपहर तक हम बद्दी पहुंच जाएंगे। तो आरटीओ घूम रहा है दोस्तों दूसरी साइड कोटपुतली वाला, वो देखो बद्दी दिख रही है ना, तो दिल्ली वाली साइड से इस टाइम ट्रैफिक फुल है, तो इधर को आएगा नहीं हो, ये देखो जब गाड़ी आती है ना दोस्तों आगे से इकट्ठी आती है, नहीं तो सुनमसान पड़ा रहता है, जाम जूम लग रहा होगा कहीं इनको, क्या सिस्टम रहता है, बाकी जब नहीं चलिए तो नहीं चलिए फिर सुनमसान ही हो जाता है। तो बस आज हम मौके पर ही बच रहे हैं दोस्तों आरटीओ से भाई, सुपर है हमारी साइड को नहीं था, हमारी साइड को होता तो हमारे को रोकता जरूर, क्योंकि हमारी साइड ट्रैफिक कम है तो हम भगा भी नहीं सकते थे, तो इसीलिए बचाव हो गया, तो यहीं से अंदर को घुसा होगा भी वो हो। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और रात के बज गए हैं 2:10, और हमारा कट भी आ गया दोस्तों, और हम थोड़ी देर में अम्बाला एंटर हो जाएंगे, नहीं हरियाणा में एंटर हो जाएंगे, अम्बाला का बोर्ड थाना लगा हुआ, सुबह का अम्बाला एंटर हो जाएंगे दोस्तों। बाकी हम पूरी सेफ्टी के साथ दोस्तों पहुंच चुके हैं हरियाणा बॉर्डर की, और अभी तक हमें कोई मिला नहीं किशनगढ़ से लेकर, मिले तो सब जगह है पर बच गए हैं हम, बचाव हो गया हमारा, तो अब यहाँ पे आके जैसे हम राजस्थान को एंड करेंगे तो हरियाणा बॉर्डर में है होटल परसे का टब्बा, ये देखो एंटर हो गए हम यहाँ पर, नारनौल यहाँ से 40 किलोमीटर भिवानी 130, ये लो जी दोस्तों एंटर हो गए हम, और देखते हैं बॉर्डर वाला आरटीओ ना मिले कहीं, बॉर्डर में भी रहता है कई बारी। हेलो दोस्तों तो रात के बज गए हैं 2:15 और हम राजस्थान के बॉर्डर इलाके में पहुंच गए हैं, कुनेड़ा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, और खुशी की बात ये है तो दोस्तों आरटीओ के हमें मिले तो सारे, पर रोका किसी ने नहीं है, और मौके से हम निकल गए, कोई खर्चा नहीं आया अपना, तो मुझे तो डर था कोई ना कोई तो मिलेगा जरूर, पर मिला कोई नहीं, शाहपुरे वाले टोल प्लाजे पर भी नहीं मिला दोस्तों, चलो बढ़िया हो गया। तो अभी हरियाणा में हम एंटर करने वाले हैं, तो हरियाणा एंटर करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा पंजाबी ढाबा नाला करवाने का, वहाँ पे रुकेंगे तो वहाँ पे अपना डिनर करेंगे आज का 2:30 बजे, क्या ही बोले दोस्तों रुके नहीं देना कि नोटिस देने का ही, क्योंकि नींद आ जाती है और जेब को पार करना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए भाई चले रहे हम, और खाएंगे खाना और मजे जाएंगे सो। तो बस दोस्तों बॉर्डर आने वाला है, तो इस राजस्थान का बॉर्डर का नाम है कुनेड़ा बॉर्डर, और यहाँ से हम कर देंगे राजस्थान वालों बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अगले चक्कर, और जैसे जैसे हम हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं चौधरी साहब की स्पीड थोड़ी कम हो गई, अब टेंशन फ्री हो गया ना,
इसीलिए स्पीड कम कर दी है चौधरी साहब ने भी। ये देख सकते 60 से नीचे होगी ये स्पीड अपनी, और तेल भी अपना देखो डाउन हो चुका है, और बत्ती नहीं आई है, पहले बत्ती आ गई थी, तो एवरेज अपनी आ रही है 570 की दोस्तों। गियर मांग रहा है हल्का सा, फेर हो गया अपना 50 की स्पीड में है। ये देखो अब आई देखो पीली बत्ती, बत्ती का नाम दिया और बत्ती हाजिर होगी दोस्तों। पर जिस हिसाब से मेरी गाड़ी घूमी थी ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा था कि भाई तेल ज़्यादा आ जाएगी गाड़ी, पर वापसी में गाड़ी ने कवर कर लिया सब कुछ। क्योंकि पिछली बारी मैं जब आया था तो इंदौर से, तो मुझे कोटा पार करके तेल डालना पड़ा था, हंडोली में डाला था मैंने 7,000 का तेल, तब जाके यहाँ गाड़ी पूरी पूरी पहुँची थी। तो इस बारी मैंने डाला है किशनगढ़ के पीछे तेल 5,000 का, तो गाड़ी मजे से पहुँच गई यहाँ पे, मतलब 2,000 का तेल कम किया अभी तक सहना पड़ा था। तो ये आ गया दोस्तों अपना ढाबा, देखो कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई यहाँ पे, सारी नालागढ़ की गाड़ियां हैं भाई। तो दोस्तों होटल है दूसरी साइड को, तो यहाँ रोड में खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, तो मैंने अभी थोड़ी सेट करके लगा दी है, चौधरी साहब की करवा रहे सेट। चलो चलो आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो, चलो 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 आन दो आन दो, वाली साइड को कट के जान दो, चलो 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 आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो आन दो, कट दो कट दो, देखो चलो चलो चलो। रोटी खानी है खा लो, करो सब्जी लो, बंद भी कर दी ना आगे, तो पीछे तो दूरी बड़े लेट रहेंगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं चौधरी साहब, आपने तो पेशाब भी नहीं कराया यार, इन्होंने तो पेशाब भी नहीं करा दोस्तों, पेशाब क्यों कर ले। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हरियाणा में, वेलकम टू हरियाणा, और मैं देख रहा हूं अपनी गाड़ी का बंद होने का इंतजार, क्योंकि मेरी गाड़ी अपने आप बंद हो जाए ना तो बढ़िया रहती है, क्योंकि मेरी यूरिया वगैरह सारा सेट रहता है, नोजलें साफ हो जाती है, इसीलिए अपने आप बंद होने देना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने सोना है। चौधरी साहब का मेरे को लग गया पता, आइडिया लग गया है, पहले बोलते रोटी खाना फिर देखना है, तो क्योंकि अब नींद का टाइम हो ही गया, 2:30 बज गए, 3 बज जाएंगे रोटी खाते खाते दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, जिन्होंने सब्सक्राइब करा है तो वो है 40%, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो 60% में है, 60% को कम करो यार दोस्तों, कर दो यार सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे।